Dear स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PCM एकेडमी। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे फॉर CBSE स्टूडेंट्स, बेसिकली फॉर बोर्ड एग्जाम जो रिवीजन कोर्स हमारा चल रहा था, आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बट विल डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम। तो क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से आ सकते हैं वही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। देखिए, ज़्यादातर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आता है वो तीन टॉपिक से आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकंड वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप से दो ही टॉपिक से, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिमिलरली टेलीस्कोप से भी क्वेश्चन आता है, और टेलीस्कोप में भी दो तीन टेलीस्कोप है सिलेबस में, लेकिन हम डिस्कस करेंगे ओनली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड दैट इज refracting telescope. Telescope are of two kinds, one is reflecting and another is refracting, but we will discuss refracting telescope only. Reflecting telescope is a Newtonian type telescope. Generally exam में question नहीं आता है न्यूटन्स लॉ के, यानी न्यूटोनियन टेलीस्कोप से। तो देखिए, एज दिस इज अ रेगुलर कोर्स नहीं है, तो हम इस कोर्स में जस्ट डिस्कस करेंगे वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। And the most important topics in this chapter are two microscope and one telescope. And more precisely, I can tell you that only one microscope and one telescope, because compound microscope and the astronomical telescopes are important. But actually, if you want to discuss about the compound microscope, then you have to understand about simple microscope first. So as usual, हमको तो discuss करना ही है simple microscope. So we will take three. One is simple microscope, then compound microscope, and then a refracting telescope. Okay. So let us tell you one by one. So what we have discussed basically in this topics, and what the questions are arises in exam from these topics are something like draw the ray diagram of a simple microscope. Then you have to just draw this diagram. This is the ray diagram of a simple microscope. सेकेंड जो पूछ सकता है वो है मैग्निफिकेशन। ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसका मैग्निफिकेशन कितना है, मतलब ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना है। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। यू कैन सी दिस इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। सो मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ए बी है ऑब्जेक्ट, और एडस बीडस जो है ये है इसका इमेज। तो ऑब्जेक्ट है ये फोकस, और जो सेंटर है लेंस के इसके बीच में ऑब्जेक्ट है ये भी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। सो रे डायग्राम तो आपको पता ही होगा, ये लेंस इस चैप्टर में भी अपने पढ़ा हो कि हाउ यू कैन राइट द रे डायग्राम। देखिए, रे डायग्राम से हम इमेज को पोजिशन निकाल सकते हैं, और इसके लिए हमको दो रे चाहिए। देखिए, वन रे इज दिस, दिस इज अ पैरेलल रे, सो इट विल पास थ्रू फोकस एज यूजुअल, and one ray is passing through center, that will be undeviated, and if you extend this to behind it will intersect, they will intersect here you can say, and ADS BDS will be the image of this AV. So this ray diagram you have to draw if they ask for ray diagram only. Sometimes questions are asked in this way, that only draw the ray diagram of simple microscope for 1 marks. Question may be asked in this way also, so be prepared. But basically what we have to do here is the magnifying power, है ना. So what is the magnifying power of simple microscope, and let us first define the magnifying power, that how you can find the magnifying power, है ना. So first what we have to do, we have to see the object, we have to see the object with naked eye. यहाँ देखिए, यहाँ जो आई रहेगा हमारा आंख जो रहेगा इधर रहेगा, इस रीजन में रहेगा, तो हम यहां से ये जो ऑब्जेक्ट बन गया एडस बीडस का जो इमेज बन गया ये हमको दिखाई देगा यहां से। सो व्हाट वी हैव टू डू, व्हेन वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस दैट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप, देन वी विल सी दिस इमेज थ्रू दिस माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली. बट व्हेन देयर इज नो माइक्रोस्कोप, व्हाट वी विल डू, वी विल सी द ऑब्जेक्ट एट नेकेड आई. But the condition is that the object should be placed at a distance that is the least distance of distinct vision. एंड दैट इज 25 सेंटीमीटर यू नो फॉर नॉर्मलाइज। सो हम देखते हैं अगर ये है ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ए बी है ना, और इस ऑब्जेक्ट से डी डिस्टेंस पर यहाँ हमारा आई है, ठीक है, मान लीजिए इधर। सो ये जो ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्ट आई के ऊपर एक एंगल बनाएगा, इट विल मेक एन एंगल डायरेक्ट टू द नेकेड आई एंड दैट एंगल लेट अस टेक एज थीटा नॉट। So this is theta naught is the angle made by the object to the naked eye, and if the height is h, then what will be theta naught? This is a very small angle, so we can write theta naught as h upon d. Now, if we have this microscope, that means the simple convex lens, then what will be the angle made by this object or this image? You can say that will make the same angle here at the center. You can see. And let this angle is theta. Now, if this is the object distance, so the object distance from this lens will be just u, or you can write this is u naught just, no, this is u naught. So what will be the theta? And this is same object, so this is h. So what we have theta, and theta will be just here h upon u naught, h upon u naught. Actually tan theta है ये, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जो है tan थीटा एक्चुअली, बट tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, यू नो, tan थीटा नॉट, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा नॉट व्हेन थीटा नॉट इज स्मॉल एंड हियर वेरी स्मॉल, सो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट थीटा नॉट इज h अपॉन d, दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सिमिलरली हियर आल्सो tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा. नाउ व्हाट इज द मैग्निफाइंग पावर? m इज जस्ट हाउ मच इंक्रीज दिस एंगल theta with respect to theta naught, that means theta upon theta naught, है ना. So theta is the angle made by this object to the eye or to the lens, and here theta naught is the angle made by this object at eye, that is when the eye is naked. Now what is theta? Theta is h upon u naught, and what is theta naught? Theta naught is just d upon h, because this is 1 by theta naught, so it will be d upon h. So h will be cancelled out, and the magnifying power that we have here is d upon u naught. It's just d upon u naught. Let me check. Yes, it is just d upon u naught. So this is our magnifying power. This is the not our the magnifying power of this simple microscope. So this is very simple. Now each time whenever we will find out the magnifying power, we will discuss this magnifying power for two cases. One, when the object is at distance d, and other when the object is at a distance infinite, that is when the object is at infinite distance, then our eye will be relaxed. So हम कह सकते हैं कि वो relaxed eye position है. जब object मतलब जो image जब infinite में होगा, तब जो हमारा आई है वो रिलैक्स्ड रहेगा, तो उसको हम रिलैक्स्ड आई कह सकते हैं, ठीक है. सो टू केस वी विल डिस्कस वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द रिलैक्स्ड आई. ओके, सो लेट मी टेल यू हियर कि रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई देखिए, फॉर रिलैक्स्ड आई क्या होगा फिर बताऊंगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस डी. सो देखिए फॉर रिलैक्स्ड आई क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, एंड टेल मी व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी, सॉरी, इमेज एट इंफिनिटी. आई एम मेकिंग मिस्टेक अगेन एंड अगेन दिस. सो दिस इज इमेज एट इंफिनिटी, नॉट ऑब्जेक्ट. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हेन इट विल हैपन, कब होगा ये इमेज एट इंफिनिटी. देखिए डायग्राम देखिए. सो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट, इमेज इंफिनिटी में कब होगा? जब ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस. ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस में रखते हैं तो उसका जो इमेज वो इंफिनिटी में बनेगा. सो ये यू नॉट जो है वो एफ नॉट हो गया, एफ नॉट होगा द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस. ओके, सो यू नॉट इज इक्वल टू जस्ट एफ नॉट. कंडीशन क्या है? u0 should be just f0. So what will be the m? We can write it as m infinite. So m का जनरल फॉर्मूला था d अपॉन u0. देखिए इधर था d अपॉन u0. So we have to write down here d upon f0. So this is just the magnifying power. When the image at infinity, that means our eye will be relaxed. Now when the object is very near to our eye, that means it is at least distance, that is capital D. That means u naught is D in that case, and then our eye will be strained. So this is the case of strained eye. So for strained eye, what will happen? For strained eye, what will happen? That u0 is equal to D. Now we have to find out. u0 is. So we have to find out what? We have to find out. ये मैंने गलत कर दिया. u0 is equal to D नहीं है. जो image distance है, मैं image at infinity से image at D, ये मैं बार-बार गलत कर रहा हूँ. Sorry for this inconvenience, but you should note it down that ये image का position से ये होगा कि ये relaxed eye होगा या ये strained eye होगा. So it is image at D, मतलब least distance of distinct vision, है ना. So ये हो गया strained eye. तो तब क्या होगा? देखिए जो image distance है, मतलब ये D होगा. This distance will be D, है ना. So this is the image distance. So v is equal to d, but that will be minus d according to the sign convention. What will happen? According to the sign convention, this u will be minus d, है ना. Sorry, v will be minus d. And ये तो है ही u0, है ना. So u तो u0 है ही, तो d निकालना है in terms of u0. Okay. Then we will find out the magnifying power, that is d upon u0. तो व्हाट इज यू नॉट? देखिए ये जो v है, इमेज डिस्टेंस नहीं लिखता हूँ, v हो गया माइनस d और u हो गया माइनस यू नॉट, है ना. और फोकल लेंथ f हो गया f नॉट. तो ये कैलकुलेशन करना है फर्स्ट कि 1 by v प्लस 1 by u equal to 1 by f. So what is 1 by v? That is 1 by minus d plus 1 by minus u naught. Sorry, this is minus u naught equal to 1 by f naught. So ये हो गया 1 by d minus 1 by d plus 1 by u naught equal to 1 by f naught. So what is 1 by u naught? Is equal to 1 by f naught plus 1 by d. So let us continue our calculation. So we have got 1 by u naught equal to 1 by f naught plus d, 1 by f naught plus 1 by d. ये हो गया. So what is u naught? So that will be d plus f naught upon f naught into d. This is 1 by u naught. So what will be u naught? U naught is nothing but f naught d upon d plus f naught. फिर so what will be m? Now it is md. So what will be m? M is not theta upon theta naught. Again it is theta upon theta naught, and that is what we have already, general formula, that is d upon u naught. So we have to substitute this. So it will be d into f naught plus d upon f naught into d. Now d will be cancelled out, so it will be just 1 plus d by f naught. देखिए ये हो गया. So पहले ये था d अपॉन f naught, ये हो गया 1 plus d अपॉन f naught. मतलब मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा है md, है ना. md is greater than actually m infinity, you can write. So this is how we can find out the magnifying power for different cases for simple microscope. So the question can be asked from here, that derive the magnifying power. न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये फॉर्मूले से. और आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना हो सकता है. तो इन अ सिमिलर वे वी विल डिस्कस to more optical instrument. One is compound microscope and another is astronomical telescope. So again I have given you the array diagram here. You can see this is the array diagram, and what we have to find out again, we have to find out the magnifying power. But before going to that thing, let me tell you the array diagram. So you can see very easily that two lenses are here. So सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, एक लेंस था. ऑब्वियस बात, इसका नाम से ही पता चल जाना उचित है कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, दो लेंस होगा. एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होगा आई लेंस. ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के नियर है, या आई पीस क्यों है, क्योंकि ये आई के नजदीक है. सो जो लेंस ऑब्जेक्ट का नजदीक होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो लेंस आई का नजदीक होगा वो होगा आई पीस. ठीक है. तो देखिए, सो व्हाट इज द मैग्निफाइंग पावर, है ना. सो मैग्निफाइंग पावर जो है वो फाइनल, देखिए जो एंगल करता है ये ऑन दिस लेंस, ये है बीटा. हमको बीटा निकालना है. तो मान लीजिए ये है h फर्स्ट, और ये होगा h डैश. और देखिए ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इधर ue जो है ये एक्चुअली ये डिस्टेंस है ue. ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली ue, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस. तो देखिए पहले ये एक रे जो है पैरेलल रे है, ये फोकस से जा रहा है, पास हो रहा है, और दूसरा एक रे है जो एकदम सेंटर से पास हो रहा है, और ये दोनों मिल गया इधर. तो एक इमेज बन गया एडस बीडस. फिर एडस बीडस से क्या होगा, दो रे जाएगा दिस आई लेंस पे, और ये इमेज बनेगा, ये जो ए डबल डैश एंड बी डबल डैश है ये इमेज बनेगा आई में, और ये हो गया फाइनल इमेज डिस्टेंस. और पहला ये UO जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, VO जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज डिस्टेंस, और UE जो है ये है आई पीस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो देखिए दो बार इमेज फॉर्मेशन हुआ है, एक बार ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से और एक बार आई लेंस की वजह से. सो लेट अस नाउ फाइंड आउट द मैग्निफाइंग पावर. तो मैग्निफाइंग पावर क्या होगा, पहले ये एंगल भी निकालना है. ये होगा अल्फा, मान लीजिए ये एंगल, दिस एंगल इज अल्फा and this angle is beta, and magnifying power होगा beta upon alpha. और you can write the magnifying power directly by using the combination of these two lenses, because you know the magnifying power for one convex lenses and here also another convex lens. So we can directly write the magnifying power by using the multiplication of the magnifying power of this lens, this objective lens, and the magnification of this eye lens. तो मान लीजिए कि magnification of objective lens, let us consider that magnification made by objective lens कितना होगा ये, मान लीजिए MO and that is V0 upon U0, है ना. This is modulus obviously V0 upon U0. This is a very simple magnification of any convex lens, है ना. और फिर ये जो है मतलब आई पीस जो है, तो आई पीस का कितना होगा, देखिए आई पीस जो है ये, इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो हम लोगों ने पहले ही किया था कि इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, और यू कैन राइट दैट मैग्निफिकेशन made by eye lens कितना होगा, that is we have already write here this d by u naught. तो ये d by u naught जो होगा let us write as ME. तो यहाँ तो u naught नहीं होगा, ये UE होगा, क्योंकि ये जो इमेज है ये इमेज होगा ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई लेंस. तो ये होगा d upon UE. नाउ द नेट मैग्निफिकेशन, व्हाट विल बी द नेट मैग्निफिकेशन, फाइनल मैग्निफिकेशन. सो और द मैग्निफाइंग पावर ऑफ द सिस्टम यू कैन राइट, सो फाइनली द मैग्निफाइंग पावर ऑफ द सिस्टम. देखिए ये जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन ये जो आई पीस है जो आई के नजदीक है ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह हो गया, इसलिए ये जो फॉर्मूला लिखा है मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का, और इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो सिंपल जो मैग्निफिकेशन होगा V0 बाई यूनिट वही होगा, और टोटल मैग्नीफाइंग पावर जो होगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कॉम्बाइंड सिस्टम, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ऑफ द कॉम्बाइंड सिस्टम जो होगा दैट विल बी कैपिटल M एंड दैट इज एम नॉट इंटू एम ई। एम नॉट है वी नॉट अपन यू नॉट एंड इंटू डी अपन यू ई। ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। नाउ वी हैव टू डिस्कस द टू डिफरेंट केसेस, वन इज रिलैक्स्ड आई एंड अनदर वन इज स्ट्रेट आई। तो रिलैक्स्ड आई में क्या होगा, जो फाइनल इमेज है ये इनफाइनाइट में होगा। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट में है मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये यूई ये होगा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, क्योंकि अगर ये फोकल लेंथ हो गया तब ये जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट में बनेगा। तो अगेन केस वन, इफ यू टॉक अबाउट केस वन, तो केस वन में हम ले लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट, सॉरी मैं फिर भी गलत कर रहा हूं इसको, इमेज एट इंफिनिटी। केस वन व्हेन इमेज एट इंफिनिटी, ओके। सो इमेज जब इन्फिनिटी में बनेगा, देखिए तो यू ई हो गया एफ ई। कंडीशन क्या है, यू ई एफ ई है ना। तो देखिए अगर यू ई एफ ई हो गया तो ये हो गया एम इनफाइनाइट। सो एम इनफाइनाइट क्या होगा, देखिए वी नॉट अपन यू नॉट इंटू जो था डी अपन यू ई, वो हो गया डी अपन एफ ई है ना, डी अपन एफ ई। यस, नाउ वन थिंग मोर यू कैन राइट दैट इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, देखिए ये जो टोटल जो डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। सो इसका भी एक जनरल फॉर्मूला होगा कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, जो एल है, देखिए ये जो डिस्टेंस है यहां से डिस्टेंस यहां, तो वी नॉट प्लस यू ई, ये हो गया वी नॉट प्लस यू ई। ना देखिए फॉर relaxed eye when the image will be at infinity then this ue will be fe, so in that case length of telescope ये l infinity हो जाएगा और ये होगा ue plus fe, जो पहले था vo plus ue वो होगा vo plus fe, क्योंकि ue के जगह fe substitute होगा, ये हो जाएगा l infinity। दिस इज केस नंबर वन। ना केस टू में क्या है, जब इमेज एट कैपिटल डी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कैलकुलेशन करना होगा। ये व्हेन इमेज एट डी, सो इमेज एट डी मतलब जो फाइनल भी, देखिए फाइनल भी क्या था, ये वी ई होगा डी एंड दैट इज माइनस डी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। सो वी ई हो गया माइनस डी, और यू ई जो है मतलब डिस्टेंस जो है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये तो यू ई होगा, वही तो निकालना है ना। तो यू इज इक्वल टू हो गया यू ई है ना, और एफ तो नेगेटिव है ही। तो फॉर्मूला क्या था लेंस का, 1 बाई वी माइनस 1 बाई ई इजक्वल टू 1 बाई एफ। ना वी के जगह लिखेंगे 1 बाई माइनस डी, और यू भी नेगेटिव ही है, तो ये हो गया माइनस 1 बाई माइनस यू ई, और ये हो गया माइनस 1 बाई एफ ई। फोकल नेगेटिव नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव ही होता है, बात नहीं। तो 1 बाई डी माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू ई इक्वल टू 1 बाई एफ ई। यहाँ से हम 1 बाई यू ई निकाल सकते हैं। सो 1 बाई यू ई क्या होगा, 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। सो 1 बाई यू ई विल बी डी प्लस एफ ई अपन एफ ई इंटू डी है ना। और फाइनली जो होगा, देखिए एम डी जब होगा, एम डी का एक्सप्रेशन क्या है, एम का एक्सप्रेशन क्या था वी नॉट अपन यू नॉट। देखिए एम के जनरल एक्सप्रेशन क्या था, एम का जो जनरल एक्सप्रेशन था वो था, देखिए वी नॉट अपन यू नॉट इंटू डी अपन यू ई है ना, वी नॉट अपन यू नॉट इंटू डी अपन यू ई। देखिए और ये जो यू ई है इसमें हम लिखेंगे ये है ना, वन बाई यू ई में। सो फाइनल ये जो होगा m, इसको हम एम डी कहते हैं क्योंकि यहाँ m इन्फिनिटी बोल दिया। सो ये होगा एम डी एंड दैट विल बी वी नॉट अपन यू नॉट, इंटू डी इंटू ये हो गया d प्लस एफ ई, देखिए d प्लस एफ ई अपन एफ ई इंटू डी। तो ये डी डी कैंसिल हो जाएगा, फिर होगा वी नॉट अपन यू नॉट इंटू वन प्लस एफ ई बाई डी। ये हो गया एम डी, राइट, ये हो गया एम डी। मतलब देखिए ये जो पहला वाला फॉर्मूला था ना, ये देखिए वन प्लस डी बाई एफ ई, और इधर क्या होगा वन प्लस एफ ई बाई डी। इसको याद रखना है, ये थोड़ा अलग है, इधर डी बाई एफ ई होना चाहिए था एक्चुअली, कुछ गलत लिख दिया। d प्लस एफ ई, यस d बाई एफ ई, हाँ सॉरी d बाई एफ ई नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये तो मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए था ना, इसलिए मैं बैक किया। तो देखिए ये क्या है वन प्लस डी बाई एफ ओ, तो वन प्लस डी बाई एफ ओ तो होगा जब एम डी होगा ना, तो ये भी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आना चाहिए। वी नॉट, देखिए यहाँ जैसे हो गया वी नॉट यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई, तो यह होगा वी नॉट यू नॉट इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होना चाहिए। भले ही हम इसको प्रूफ किया है, लेकिन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जब डी डिस्टेंस में था तब माइक्रोस्कोप का जो सिंपल माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफाइंग पावर था वो था वन प्लस डी बाई एफ ई। सो हम ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट कि लेंस के लिए होगा वी नॉट बाई यू नॉट, एंड जो आई के नजदीक आई लेंस के लिए, जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए होगा वी नॉट अपन यू नॉट, और जो आई लेंस है उसके लिए होगा वन प्लस डी अपन एफ ई। टेलीस्कोप में ये उल्टा होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया एम डी। नाउ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, सेम एल डी। सो एल डी विल बी नाउ वी नॉट तो है ही, प्लस क्या होगा देखिए वी नॉट प्लस यू ई, वी नॉट प्लस यू ई। तो यू ई क्या है देखिए, यू ई है ये एफ ई इंटू डी, एफ ई इंटू डी अपन डी प्लस एफ ई। ये हो गया एल डी, ओके। तो यह है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो दोनों माइक्रोस्कोप में सेम है, देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा है, फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार। सिंपल माइक्रोस्कोप में देखिए एक मैग्नीफाइंग पावर है और उसके नजदीक आई है, मतलब यही हो गया आई लेंस, यही हो गया आई लेंस। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर जो है निकाला है डी अपन यू ई। कब हो रहा है ये जनरल केस है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है तो ये हो रहा है डी अपन एफ ई। अगर ऑब्जेक्ट डी अगर इमेज इनफाइनाइट में है तो ये होगा डी अपन एफ ई। अगर ऑब्जेक्ट इमेज डी डिस्टेंस में है तो ये होगा वन प्लस डी बाई एफ ई और एफ ओ। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ नोटेशन। बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। देखिए ये हो गया क्या आई लेंस या फिर आई पीस। तो ये है एक सिंपल माइक्रोस्कोप और ये है एक सिंपल लेंस। तो लेंस के लिए कितना होगा, जस्ट वी नॉट अपन यू नॉट, और ये माइक्रोस्कोप के लिए तो हमने पहले ही किया है डी अपन यू ई। सो ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही होगा मैग्नीफाइंग पावर इन जनरल। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। नाउ फॉर स्पेशल केस यू हैव टू मॉडिफाई दिस यू ई ओनली। सो यू ई एफ ई हो जाएगा जब इमेज इनफाइनाइट में होगा, और एक बार जब इमेज डी डिस्टेंस में होगा तब आपको ये यू ई निकालना है। फिर अगर हम उसको सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है वो आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि हमको ये पता था कि जब डी डिस्टेंस में होगा तब ये जो एक्सप्रेशन है वन प्लस डी बाई एफ ई आएगा, क्योंकि हम पहले ये निकल चुका है ना। देखिए वन प्लस डी बाई एफ ई, वहाँ एफ ओ था मतलब नोटेशन में, इसलिए हम एफ ओ लिखा, एफ ई है इसलिए एफ ई आया है ना, वन प्लस डी बाई एफ ई। तो ये तो आएगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वी नॉट अपन यू नॉट, क्योंकि और एक लेंस है। अगर एक लेंस होता तो यही होता, लेकिन इसके साथ और एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो एक्चुअली सिंपली इसका मैग्निफिकेशन है, जो होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू नो। सो अगर हम डायरेक्टली इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देते तो भी हो जाता। यहाँ भी सेम देखिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हो, मतलब आपको मॉडिफाई करना है यू ई में। जब इमेज इन्फिनिटी में होगा तब यू ई किधर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट तो तब फोकस में ही रहेगा। बट वेन इमेज इज ए डी देन यू हैव टू कैलकुलेट यू ई एंड 1/u e so that you can substitute in the formula, general formula of length of telescope and the magnifying power of this microscope and the magnifying power of microscope. And the same thing we have to discuss in telescope also. Okay, so we will discuss that in the next class. Okay, thank you.